रायबरेली में बिजली विभाग का जेई दर्जनों कॉलोनी वासियों से खंभे व लाइन के नाम पर वसूले पैसे, नहीं बिछी लाइन। इस भीषण गर्मी में अखिलेशपुरम कॉलोनी के लोगों को नहीं नसीब हो रहा पानी। रायबरेली जनपद के मील एरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत अखिलेशपुरम कॉलोनी वार्ड नंबर 5 में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही का चर्चा पूरे वार्ड में फैला हुआ है। बिजली विभाग, त्रिपुला पावर हाउस के जेई व अन्य कर्मचारियों ने मिलकर वार्ड नंबर 5 के दर्जनों की संख्या में बिजली उपभोक्ताओं से खंभे व थ्री फेस लाइन के नाम पर लाखों रुपए लेने के बाद भी सालों बीत जाने के बाद अभी तक कोई बिजली खंभे या लाइन नहीं लगवाए, जिससे पूरे वार्ड में बिजली की समस्या इस कदर बनी हुई है कि पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा। इस भीषण गर्मी में मोहल्ले वासियों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ लखनऊ अंशु श्रीवास्तव। मेरा नाम विजयलक्ष्मी सिंह है, अखिलेशपुर की रहने वाली हूँ। और यहाँ पर लाइट और खंभों का पैसा ले लिया तार का, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ पर खंभे लगभग कितना पैसा लिया? करीब 17,000-16,000 रुपए सबसे लेके रखा है। कितने लोग होंगे? करीब होंगे 30-40 लोग। 30-40 लोग जी। और ये सब जो तार लगे ये अपने पैसे से बाद में लगवाया? जी सर। क्या बता दीजिए और क्या समस्या है? मेरा नाम अजय लक्ष्मी, अखिलेशपुरम में रहती हूँ। और सर, जब से हम यहाँ 2 साल हो गया रहते हुए, बिजली के खंभे का पैसा दिया गया है। कितना पैसा दिया गया? हमने सर वो दिया 9,000 रुपए। आपने? जी। लगभग कितने लोग होंगे? सर वही 30-35-40 लोग होंगे अब तक। शिकायत करी? हाँ सर, पूरा शिकायत हो रही है। ठीक, अगर संविधान नहीं होता तो आगे क्या करेंगे? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आम परिचय और जगह? रणवीर सिंह है, मैं अखिलेशपुरम का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 5 है। सर, हमारी समस्या मेन यही है कि जय साहब जो यहाँ पे हम लोगों से बिजली के कनेक्शन के नाम से जो एस्टीमेट जमा कराया है, खंभे और तार का कनेक्शन सबको दिए गए हैं। एस्टीमेट कितना जो है जमा कराया? कितने? कोई 12,000 जमा किया, कोई 16,000 किया। अभी 12,000 किस बात के लिए? सर, तार के लिए, खंभे के लिए जमा कराया। और ना एक खंभे लगे ना तार लगे। जो लोग भी तार लगे भी हैं, हम लोग अपने पैसे से लगा के लगवाए हैं। यहाँ पे वोल्टेज बिल्कुल जीरो है सर। यहाँ पे पैसा हम लोगों को ठगा गया। हम लोग सारे आला अधिकारी से भी मिल चुके हैं, कंप्लेन भी कर चुके हैं, लिखित भी कर चुके हैं। यही कहा जाता, आश्वासन दिया जाता। किसकी शिकायत करी आपने कहीं? जी बिल्कुल, ये सारे कॉलोनी वासी की है, सामूहिक है। अभी दरोगा साहब ने दिखाया आपको, पूरी जन सुनवाई पोर्टल पर भी डाला है, जय साहब को भी दिया है, आला अधिकारी सभी को बताया गया। अगर ये मांग आपकी ना पूरी हुई और काम नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे? कॉलोनी वाले जाके धरना देंगे सर, कहीं उच्च अधिकारी के पास बात तो सुननी पड़ेगी हमारी। ऑलरेडी हम लोग गर्मी में परेशान हैं, हमारी बच्ची भी 13 तारीख को डिलीवरी हुई घर पे। परिचय और किस जगह की समस्या है बता दीजिए आप। महोदय, मेरा नाम सूबेदार हरिहर प्रसाद शुक्ल, भाजपा कार्यकर्ता, अखिलेशपुरम, वार्ड संख्या 5। और यहाँ इस कॉलोनी की जो सबसे मूलभूत वर्तमान समय में समस्या आज साल भर से बनी है, वो है बिजली की समस्या। बिजली की समस्या इस तरह से है कि यहाँ के लोगों ने, मैं 2021-22 से यहाँ आया हूँ, 2020 से लोगों ने कोई 20,000, 18,000, 16,000, 17,000, 22,000 सब ने रसीद कटी हुई है। सब ने अपने अपने पैसा जमा किया गया है, जो लाइन का एस्टीमेट और खंभे का एस्टीमेट जमा कराया गया है। परंतु हम लोगों के मीटर लग गए, बिल बाकायदे समय पर वसूला जा रहा है, लेकिन लाइट के नाम पर बिल्कुल धोखाधड़ी है। यहाँ पर खंभे लगे हैं, वो हिलडुल रहे खंभे, कब गिर जाएं कुछ पता नहीं। बिजली विभाग द्वारा कोई खंभे नहीं गाड़े गए हैं, और बार बार आवेदन दिया जा रहा है, बार बार सबको बताया जा रहा है, जेई साहब को बताया जा रहा है, यक्सियन साहब को बताया जा रहा है, एसडीओ साहब को बताया जा रहा है, बस कुछ ना कुछ कहकर मामले को टाल दिया जाता है। कितने घर होंगे लगभग जो पैसा जमा कर चुके हैं? इस तरह से लगभग यहाँ पर होंगे 20-25 से लेकर 40 घर तक है जो सब ने पैसा जमा कर दिया। कोई ऐसा नहीं जो पैसा ना जमा किया हो। यहाँ तक कि सब जमा करके और सब यही सोच रहे आज लगेगा कल लगेगा, मगर सबके प्रयास से केवल मात्र बहाना। ये खंभे और जो लाइट के जो तार हैं, इनका पैसा भी जमा किया है? खंभे और तार का पैसा सबने जमा कर दिया है, सबके पास रसीद है, बिल है, GST भी साथ में लगा हुआ है, मगर लोग मजबूर है, अपना अपना तार लटकाए। आप स्वयं चाहे तो फोकस करके देख सकते हैं, पतले हम लोग अपने अपने तार खरीदे हैं और लगाए गए हैं। बिजली विभाग द्वारा ना तो कोई खंभा लगाया गया अब तक और ना तार लगाया गया है। अब ये तार इतने कमज़ोर हैं कि इस पर वोल्टेज नाम के पर जीरो रहता है, ना तो हमारी मोटर चलती है, ना तो पंखा चलता है।
हमारे पढ़ने वाले बच्चे इस समय इतना मजबूर हैं, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है, और यही सपना लेकर हम गांव से यहां शहर में आकर बसते हैं ताकि जो हमें मूलभूत समस्या का समाधान यहां पर मिल सके। तो ये आपने कहां कहां अप्लीकेशन अब तक दी है, शिकायत करी है? जब से हमने बिजली का कनेक्शन लिया मौखिक रूप से पावर हाउस मलेरिया में कई बार बताया, लाइन मैन आते हैं चेक कर देते हैं, एक ही जी कहते हैं सर खंभा गड़ेगा और लाइन थ्री फेज की बिछेगी तभी समस्या का समाधान होगा अन्यथा नहीं। हमने कहा आपने जय साहब को बताया? बोले हमने बता दिया है। फिर मैंने व्यक्तिगत रूप से जय साहब को बताया, एक्सीएन महोदय को बताया, लिखित आवेदन जाकर वहाँ पर जमा कराया और आदरणीय मुख्यमंत्री जन सुनवाई पर भी हमने डाल दिया है और पूरी उम्मीद और आशा व्यक्त करता हूँ कि आप सब हमारी सबकी आवाज़ उठाएंगे, हमारी समस्या का हल होगा। इस गर्मी में जल्दी से जल्दी खंभे गड़ जाएं और बिजली के तीन फेस के तार डल जाएं ताकि हम लोग कम से कम अपनी मोटर से चल जाए, पानी भर लें, क्योंकि यहाँ कहीं कुआं तो है नहीं, गांव तो है नहीं, कुआं से भर